राजभवन मार्च में हुए लाठीचार्ज के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। कल किसान कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में हो रहे राजभवन मार्च के दौरान जाप कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर दिया गया था। उसी के विरोध में जन अधिकार छात्र परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा आरा के जेपी स्मारक के समीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। पुतला दहन से पूर्व एक नुक्कड़ सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता जन अधिकार छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश कुमार तथा संचालन तरारी के प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने किया। जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश सचिव अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव ने कहा कि किसान हित में हो रहे आंदोलन में कराए गए लाठीचार्ज से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। किसानों के लिए लड़ाई लगातार चलती रहेगी, जब तक यह कानून सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक हम सब चुप बैठने वाले नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और जो संगठन किसानों की आवाज बुलंद करते हैं उन पर लाठीचार्ज करवा कर आवाज को दबाने का प्रयास करती है। जन अधिकार पार्टी पिछले एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना पर थी, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने राजभवन मार्च का निर्णय लिया। जैसे ही राजभवन मार्च शुरू हुआ वैसे ही नीतीश कुमार के इशारे पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी घोर निंदा करता हूँ। और उस लाठीचार्ज की आक्रोश में आज नीतीश कुमार का पुतला फूंका जा रहा है। पुतला दान कार्यक्रम में आरा सदर प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार, सोनू कुमार, राकेश कुमार, पुतुल यादव, आशीष रंजन, मनीष राय, रजनीश यादव, जेलर पांडे, राहुल कुमार उपस्थित थे। अनिश्चितकालीन धरना चलने के बावजूद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और राजभवन मार्च करके राज्यपाल से बताने का प्रयास करेंगे कि किसानों की स्थिति दयनीय है और उन पर जो काला कानून आया है उसे वापस लिया जाए। तभी नीतीश कुमार के पुलिसिया गुंडा ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन से हमला किया गया, बम फोड़ा गया। हमारे पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता आज घायल हैं। हम लोग मांग करते हैं उस पटना डीएसपी एसपी को सस्पेंड किया जाए और उसके आक्रोश में हम लोग आज नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का काम किए हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या होगा? अगर मांग पूरी नहीं होती है, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो आगे हम लोग चरमबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। नाम बताइए। रितेश कुमार, जिला अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद भोजपुर। हमारा जो कृषि विधेयक कानून 2020 लाया गया है वो बिल्कुल ही जो है किसान विरोधी है, जिसके विरोध में हम लोग 16 तारीख से अपने भोजपुर जिला इकाई जन अधिकार पार्टी के भोजपुर जिला इकाई के द्वारा यहाँ पर महाधरना, अनिश्चितकालीन महाधरना का आयोजन किया गया, जो कि बिल्कुल ही सफल रहा। लेकिन केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार और हमारी प्रशासन, इन तीनों के तरफ से किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, किसी भी तरह का कोई हेल्प जो है इस छिछुरती ठंड में हमारे जन अधिकार पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो है ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन इसको सूद लेने वाला कोई भी सरकार जो है। आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। आज जो है मुख्यमंत्री का पुतला इसलिए दहन किया गया कि कल जो है हम लोग पटना में अनिश्चितकालीन महाधरना के साथ हम लोग राजभवन जो है घेरने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के साथ हम लोग मार्च के लिए निकले, तभी जो है ये हमारी नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन हम लोग को वहीं पे रोक दी। हम लोग के साथ जो है बहुत ही बुरा बर्ताव किया और बर्बरता जितना हो सकता है उतना उन लोगों ने हम लोग के साथ किया, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमारी जन अधिकार पार्टी बिल्कुल ही घोर निंदा करती है और हम यही कोशिश करेंगे, कहेंगे कि नीतीश कुमार जी, मोदी जी और ये हमारे जितने प्रशासन भाई लोग हैं, ये लोग मिलजुल कर किसानों के हित में बिल लाए और जो ये नया कानून, किसान विरोधी कानून, काला कानून लाया गया है, इसको जो है अविलंब जो है वापस लिया जाए। ठीक है, परिचय बता दीजिए। आशुतोष कुमार सिंह, प्रदेश सचिव, जन अधिकार पार्टी।